महिंद्रा बोलेरो नियो जो कि TUV 300 फेसलिफ्ट का रिबैच्ड वर्जन होने वाली है, वो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। और आपको बता दूं कि डीलरशिप्स तक ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है और 15 जुलाई को फाइनली ये लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑटोवेज, मेरा नाम है अर्षित और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नए स्पाई शॉट्स महिंद्रा बोलेरो नियो से रिलेटेड आए हैं हमारे पास जो कि शेयर करने वाला हूं, जिसमें इसके इंटीरियर्स दिखाए जा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं पहले के मुकाबले, और सारी डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात कर ली जाए, तो आपको ओवरऑल कैसा डिज़ाइन मिलने वाला है वीडियो में और स्पाई शॉट्स में आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि कैसा फ्रंट है, ग्रिल कैसी मिलने वाली है, रियर पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओवरऑल एक्सटीरियर्स की भी अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छे हैं पहले के मुकाबले एटलीस्ट। सो गाइज, इसके अलावा जो इंटीरियर से रिलेटेड हमारे पास स्पाई शॉट आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बेज और ब्लैक कलर का इंटीरियर थीम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपोल्स्ट्री जो है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है पहले के मुकाबले, साथ ही आपको डायमंड स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी प्रीमियम है इसमें। गाइज, इसमें जो आपको नेक्स्ट चीज़ अपडेटेड देखने को मिलेगी वो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, हालांकि उसका साइज़ जो है वो पहले जितना ही रहने वाला है। साथ ही आपको कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे, पावर विंडोज़ के जो बटन है वो सेंटर कंसोल पे मिल जाएंगे अब। इसके अलावा डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील होने वाला है, ब्रश्ड सिल्वर एक्सेंट का डैशबोर्ड मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अपडेटेड और काफ़ी प्रीमियम बनाएंगी इसके इंटीरियर्स को। सिटिंग ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो इसमें आपको 7 सीटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट आपको 2 कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाएंगी, फिर जो बेंच टाइप की सीट है सेकंड रो में वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर लास्ट रो की बात करी जाए तो साइड फेसिंग आपको बेंच देखने को मिल जाएंगी। तो फाइनली गाइज, अगर बात करी जाए इसके इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में तो इसमें आपको सेम 1.5 लीटर की कैपेसिटी का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 100 bhp की पावर और 250 nm का पीक टॉर्क जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा और ऑप्शनल आपको 5-स्पीड AMT भी मिल सकता है। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करी जाए तो जैसा मैंने आपको लॉन्च डेट के बारे में बता दिया, 15 जुलाई को ये लॉन्च होने वाली है और इसका जो प्राइस हो सकता है वो एक्सपेक्टेड है 8.50 लाख रुपीज एक्स शोरूम। सो गाइज, अपने ओपिनियंस इस गाड़ी से रिलेटेड मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। फाइनली मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ़।